बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे हरी चटनी। ये हम कबाब के साथ, पकोड़ों के साथ और समोसे के साथ खाते हैं और ये बड़ी मज़े की लगती है चटनी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए लिया है मैंने एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्ची। इसे अच्छी तरह से वॉश करके मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी। अच्छी तरह से वॉश करके मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है सारी चीज़ें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच भर के दही ऐड करेंगे इसमें। दही डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें आधा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दही ऐड कर रही हूँ। अब हम दही डाल के इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखिए, मैंने मिक्सर में इसे पीस लिया है, इसका एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। चटनी हमारी बनके रेडी है। कबाब बनाए, पकोड़े बनाए या समोसे बनाए, या इसे आप ऐसे भी खाने के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।